Welcome to Sarfi Study. Today's our topic is exercise number 6.2, square and square roots. Question number 1. Part number 1 hum pehle discuss karte hai, 32. Now the question. Find the square. Talash karo square ko talash karo. Dear students, of the following numbers, in number ka square talash karo. What is square? The first thing, square means agar hum iska square karna hai 32 ka, to hum aise karenge. 32, this is known as square. To isko hum square kehte hain. To ab 32 ka square karna hai to kaise karenge? Hum yahan aage chalte hain, solution likhte hain. Dears, this question was asked by Loon Vaseb और उसका रिस्पांस हम दे रहे हैं हम तो but we are responding this question too much late but अब हम देने जा रहे हैं क्योंकि टाइम नहीं होता है हमारे पास 32 का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे बच्चों आप देखिए 32 को हम एक्सपेंड करेंगे मतलब ये 30 प्लस 2 है This is known as expanded form. जब हम इसको expand करेंगे, इसकी बहुत तरीके बन जाएंगे। एक तरीका ये है 32 का अगर हम logically करेंगे ऐसे 32 into 32 तो 1024 आएगा आंसर। ये भी एक तरीका है, short trick। लेकिन जो हम अपने आप को आसान बनाने के लिए, क्योंकि कभी बड़े रकम होते हैं। Sometimes you face we can say big numbers. At that time, it's very difficult for you people to do the square of that number. So, what do we need to do for this? We keep it like this, we keep it expand. 30 plus 2, that's also 32. Now, this is a formula. One formula is this. This was the first method, you can do it like this. This is the way. Now, the other method is this way. You can see. 30 plus 2 का होल स्क्वायर ये इस फार्मूला के बराबर बिल्कुल होता है मानो ये a है और ये b है ये a plus b का स्क्वायर बनता है a plus b का स्क्वायर बन जाता है तो हम लिखेंगे फिर a स्क्वायर या plus b स्क्वायर plus 2ab या ऐसे भी होता है a plus b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर plus 2ab plus b स्क्वायर इट हैज नो डिफरेंस ऐसे हो नो डिफरेंस अब एक तरीका ये है फर्स्ट वन इज दिस द सेकंड वन इज a स्क्वायर 30 स्क्वायर plus b स्क्वायर 2 स्क्वायर plus 2ab 2ab अब 30 और 30 हुआ 90, 33 जा 9, 0 2 हुआ 90, 2 2 जा 4, प्लस 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो 120 हुआ। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो वो 1024 हुआ। This is the second method. यानी ये इस फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई की क्या फॉर्मूला मैंने अप्लाई की मैंने a स्क्वायर प्लस 2ab या b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इसकी कोई फर्क नहीं है अगर माइनस होगा तब जाके लिखना होता है इंपॉर्टेंट बात वैसे माइनस होगा ही नहीं इसमें जरूरत ही नहीं है इसमें तो माइनस की बात यहाँ पर नहीं आएगी अब तीसरा मेथड मैंने देखा है बच्चों बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको स्कूल में एक मेथड दिखाया जाता है और कोचिंग पर वो जब जाते हैं उनको दूसरा मेथड दिखाया जाता है तो वो फिर कहते हैं ओ सर दिस इज रॉन्ग मेथड ऐसा नहीं होता है एक मेथड अप्लाई वहाँ एक टीचर करता है और घर में जाके या कोई किसी ट्यूटर के पास आप जाते हो एट दैट टाइम ही यूजेस अनदर मेथड ही अप्लाईज अनदर मेथड यू रिमेन इन कन्फ्यूजन तो मैं वो थर्ड मेथड भी करने जा रहा हूँ अब देखिए थर्ड मेथड में करने जा रहा हूँ क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि हमारा मकसद ही है Our main target, our main motto is to help the students. Students are facing number of problems and our main ambition is to help these people. Dears, अब हम आगे चलते हैं. फिर करते हैं 32 का स्क्वायर. क्या करते हैं? Expand करते हैं 32 का स्क्वायर. अब एक फॉर्मूला है इसके. ये है कि a स्क्वायर
वो भी मैंने बताया, a इंटो a प्लस b प्लस b इंटो a प्लस b, ये एक दूसरी मेथड है। a यहाँ पे लिखता हूँ मैं दोबारा से, मैंने ऐसे ही लिखा a इंटो a प्लस b प्लस b इंटो a प्लस b, ये एक दूसरा मेथड है। इसके जरिए से भी हम क्वेश्चन को हल करते, तो यही मैं अप्लाई यहां पे करता हूं। a a 30 हुआ, ये a है ये b है, इंटो 30 प्लस 2 उसके बाद 2 उसके बाद 2 हुआ 2 हुआ 2 इंटो 30 प्लस b, यानी a ये a है ये भी a है प्लस b b a b, जो मैंने यहाँ पर ये अप्लाई ये मेथड दिखाया। तो बच्चों आगे चलते हैं हम, आप देखिए आगे जो हम चाहते हैं बच्चों, तो आगे चलते चलते हम यहाँ पे पहुँच गए कि इसको हम इंटो करेंगे, ये हुआ 900 33 जर 9 0 0 0 प्लस 32 जर 6 तो हुआ 60 प्लस वो हुआ 23 जर 6 हुआ 60 प्लस 22 जर 4 ये वही हुआ 900 प्लस 120 प्लस 4, आप देखिए इसके बराबर ये हुआ इसके बराबर। तो डेफिनेटली इसका जो आंसर आएगा जी, इसका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली वही आएगा जो ऊपर। तो ये भी एक मेथड है। इस तरीके से मैंने तीन तरीके आपको दिखाए कि अगर बच्चों को उस तरीके में कन्फ्यूजन होता है, ही आर शी कैन अप्लाई दिस मेथड, अगर वो नहीं आता है ये तो ये इजी बनने के लिए। लेकिन अगर कोई शॉर्ट ट्रिक जो मैंने पहले दिखाया वो भी ठीक है, दैट्स नॉट रॉन्ग, हाँ वो रॉन्ग है वो भी ठीक है, मगर जब बड़े रकम आते हैं उस टाइम हम मुश्किल में पड़ते हैं। थैंक्स ए लॉट। आर डियर्स, पार्ट नंबर 2 पे हम चलते हैं। तो पार्ट नंबर 2 क्या है, 35 इसका स्क्वायर करना है। लेकिन एक चीज याद रखिए, जब किसी नंबर के यूनिट प्लेस में, व्हेन अ नंबर कंटेन्स एट यूनिट प्लेस 5, जब एक नंबर उसके यूनिट प्लेस पर 1 इस प्लेस पर 5 होता है, तो उसके लिए अलग फार्मूला अप्लाई होते हैं। उसको हम इस तरीके से हल नहीं करते हैं, वी यूज फार्मूलाज। तो फार्मूलाज आर एज, मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर्मूला क्या है आप देखिए, नंबर 1 फार्मूला मैं लिखता हूं, अगर किसी के पीछे 5 मतलब 15 है, हम 15 लेते हैं तो इसके पीछे से 5 है, तो हम क्या लिखते हैं, ये 1 इंटो यही 1 प्लस 1 इंटो 100 प्लस 25, ये अप्लाई करते हैं 15 को। अगर इसके बाद फॉर एग्जांपल 15 नहीं अब 25 है, क्योंकि उस 15 के बाद 25 आएगा, उसके पीछे से 5 होगा यूनिट प्लेस पे, तो वो किसके बराबर होता है, 2 वो होगा 1 इंटो यहाँ पे 2 चेंज करना है, यहाँ पे भी 2 चेंज करना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटो 2 प्लस 1 इंटो 100 प्लस 25। अब 35 यहाँ पे 3 इंटो 3 प्लस 1 इंटो 100 प्लस 25 और 45 4 इंटो 4 प्लस 1 इंटो 100 प्लस 25 55 5 इंटो 5 प्लस 1 इंटो 100 प्लस 25। इस तरीके से हम ये अप्लाई मेथड करते हैं। अगर 65 होगा 65 6 इंटो 6 प्लस 1 इंटो 100 प्लस 25 75 इज इक्वल टू 7 इंटो 7 प्लस 1। अब हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम सिर्फ यहाँ पे सेवन प्लस 100 वही लिखते हैं। तो अब हमने ये देखा कि ये चीज़ ये वाला लास्ट के तीन चेंज नहीं होते, ये ऐसे ही है, सिर्फ हमें फर्स्ट के दो चेंज करने हैं, बस कीप इन माइंड हमें फर्स्ट के दो चेंज करने हैं, बाकी वही फार्मूला अप्लाई करना है। सो कीप इन माइंड डियर्स के हम लास्ट वाले चेंज नहीं करेंगे, बट वी विल चेंज ऑनली फर्स्ट टू नंबर्स। अगर यहाँ 85 है तो हम लिखेंगे 8 इंटो 8 वही दलील जो था प्लस 25। अगर 95 है तो 9 इंटो 9 प्लस 1, आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये लिख रहा
अदरवाइज किसी जरूरत नहीं थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पॉट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे 35 है, क्या है यहाँ पे 35 है। जब यहाँ पे 35 है बच्चों, इसका स्क्वायर करना है तो अप्लाई क्या होगी फार्मूला, 3 × 3 + 1 × 100, क्योंकि मैं यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, कभी ऐसे भी होता है 100 लिखा होगा, +25 ऐसे होता है, होता है नहीं होता है, हाँ होता है ऐसे ही। अब इसको हल करते हैं, 3 × 3 हुआ, × 3 + 1 हुआ 4, × 100 + 25, 4 × 3 = ऐसा ऐसे करते हैं, 3 × 400 पहले इसको करते हैं, इजी हो जाएगा, +25। उसके बाद 4 × 3 = 12, या 4 × 3 = 12 आप उर्दू में पढ़ते हो, 25। अब इसको प्लस करते हैं, जब इसको प्लस करते हैं वो 225 आया, इजी। फॉर एग्जाम्पल दूसरा पार्ट अगर हम करते हैं, मिसाल मैं 95 करता हूँ, तो 95 को क्या आएगा, 95 को स्क्वायर करना है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यही यहाँ पे नहीं दिखाया गया है, आपके आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें नहीं है, मगर मैं समझा रहा हूँ आपको। तो 9 कहेगा 9 × 9 + 1 × 100 / 25, 9 ऐसे ही रखो, × 9 + 1 = 10 × 100 + 25, 9 ऐसे ही रखो, ये हुआ 1000 + 25, अब ये हुआ 9000 + 25, वो हुआ 925 आंसर। इट्स वेरी इजी फॉर यू पीपल, तो वो ये आंसर हुआ। इस तरीके से अगर कहीं बच्चों, अगर आपको मैं आपको वंस अगेन आई विल रिपीट दिस वर्सेस, कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश में इंटरेस्टेड होते हैं, देर आर मेनी स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश वर्जन, दे कैन लीव द कमेंट, दे कैन लीव दिस सजेशन इन कमेंट एंड वी विल हेल्प देम विदाउट एनी प्रॉब्लम, वी विल हेल्प देम बिकॉज इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आवर टीम is ready for to help all those students who are needy, who has need, and those who are not able to go coaching centers, who are not able to go to take tuitions, or who face after tutor after coaching centers who face problems, we can help them. It's our duty and it's our responsibility. So because the slogan of our channel is help the poor, you will be helped. Mujhe isme fayda ye hai ki Allah Taala ki taraf se God will help me and also he will reward me, that reward will be the unimagined for me. तो मैं वो सोच नहीं सकता हूँ, इसलिए लोगों को हेल्प कीजिए, ये मेरा मकसद है, हमारी टीम का मकसद है, बाकी आप हमसे जुड़े रहे, डेफिनेटली आपको आंसर लेट भी मिल सकता है, बट वी विल प्रोवाइड यू आंसर। दो स्टूडेंट्स वंस अगेन, मैं आपको वंस अगेन कर रहा हूँ, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वी अपील दी स्टूडेंट्स दैट लेट अस सब्सक्राइब अवर चैनल, दे हैव सब्सक्राइबर्ड बट लेट अस गिव दिस इंफॉर्मेशन टू अदर पीपल, लेट अस सब्सक्राइब अवर चैनल, शेयर अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो, इट्स वेरी एसेंशियल फॉर अस, अदरवाइज वी विल नॉट रिमेन कनेक्टेड विथ यू। थैंक्स अ लॉट।